इनवाइट करती हूँ सुदीप्ता जी और नीरव को। गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं कहलाता, गुलाब ऐसे ही गुलाब नहीं कहलाता, ये अदा कांटों में पलने के बाद ही आती है। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुदीप्ता जी और नीरव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुदीप्ता सक्सेना और मेरा नाम है नीरव हेतावल और हम आज आप लोग के सामने दोनों श्रुति नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्रुति नाट्य के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। श्रुति नाट्य जो होता है वो एक विधा होती है जिसमें नाटक जो होता है वो बैठ के और जस्ट एक ऑडियो रूप में आपको सुनाई देगा। हम लोग यहाँ पर बैठ के पूरा एक नाटक करेंगे विद एक्सप्रेशन एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। ये एक बंगाल की विधा है जो मतलब अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। ये हम लोग का पहला प्रयास है। ये नीरव जी का तो बिल्कुल ही पहला प्रयास है। मैं चूंकि ऑडियो से रिलेटेड हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। तो प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रुति नाट्य जिसका नाम आपको नाटक के अंत में पता चल जाएगा। तो क्या आप हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए एक बार तालियां बजाएं? थैंक यू। अरे अरे आंटी जी, ये क्या कर रही हो? मेरे ऊपर कचरा क्यों फेंक रही हो? अरे तुम्हारे ऊपर कचरा कहाँ फेंका बेटा, मैंने तो मेरे घर का कचरा अपने घर के सामने फेंका था। अब तुम बीच में आ गए तो मैं क्या करूँ? आंटी जी, अपने घर का कचरा घर के सामने नहीं डस्टबिन में डालते हैं। आपके घर पे डस्टबिन नहीं है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। कल ही तो खरीद के लाई हूँ, नए है ना, तो इच्छा नहीं हुई उसमें कचरा डालने। वाह आंटी जी वाह, नहीं नहीं वाह, मतलब ये हो गई बात। अच्छा ये बताइए, डस्टबिन कौन से कलर की लाई है आप? कौन से कलर के? अरे बढ़िया कलर है एकदम, वो भी बेबी पिंक। आंटी जी आपको क्या पता नहीं, सूखा और गीला कचरा अलग अलग डब्बों में डालते हैं, नीले में और हरे में। हैं? सूखा कचरा गीला कचरा? अरे कचरा तो कचरा होता है बेटा, सूखा और गीला नहीं होता, मुझे सब पता है। अच्छा आपको सब पता है? हाँ हाँ सब पता है मुझे। अच्छा तो बताइए पॉलीथीन बैग कौन सा कचरा होता है, गीला या सूखा? अरे बेटा पॉलीथीन बैग तो सूखा होता है ना, तो वो सूखा कचरा होता है। अच्छा बहुत सही बहुत सही। और गीला पॉलीथीन बैग? गीला पॉलीथीन बैग गीला कचरा? बिल्कुल गलत आंटी, आपको कुछ नहीं पता, गीला होने के बाद भी पॉलीथीन सूखा कचरा ही होता है। अच्छा बताइए आलू का गीला छिलका कौन सा कचरा कहलाएगा? आलू का गीला छिलका? अरे बेटा गीला कचरा। वाह आंटी वाह, बिल्कुल ठीक। और सूखे आलू का छिलका? ये भगवान, ये लड़का तो लग रहा है जान लेके ही छोड़ेगा। अरे बेटा सूखे आलू का छिलका वो तो सूखा ही कहलाएगा ना, सूखा कचरा। आंटी आलू का सूखा छिलका भी गीला कचरा ही कहलाता है। हे भगवान, बेटा गीला पॉलीथीन सूखा कचरा, सूखा आलू का छिलका गीला कचरा, अरे मेरा तो दिमाग ही कचरा, मेरा मतलब है चकरा रहा है। अरे आंटी एक बात पूछना तो मैं आपसे भूल ही गया। बेटा अभी भी तेरा क्वेश्चन पेपर बाकी है, हाँ चल पूछ पूछ बेटा पूछ। आंटी अब ये बताइए कि नीले डब्बे में कौन सा कचरा डालेंगे और हरे डब्बे में कौन सा? अरे ये तो मुझे पता है, बिल्कुल आसान है, नीले में गीला हरे में सूखा। हे भगवान आंटी बिल्कुल गलत है। नीले में सूखा हरे में गीला? नीले में सूखा हरे में गीला, बेटा ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो नीले में गीला हरे में सूखा, कितना अच्छा लग रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, नीले में सूखा हरे में गीला, आप भी दोहराइए और आप लोग भी दोहराइए। नीले में सूखा हरे में गीला, नीले में सूखा हरे में गीला। बहुत बढ़िया आंटी बहुत बढ़िया बहुत सही। पर बेटा मैं क्या बोल रही थी कि तुम थोड़ा मोदी जी से अप्रोच करो ना कलर बदलने के लिए। अब देखो नीले में गीला कितना सही लग रहा है ना। सुनो बेटा मैं तो कह रही हूँ तुम फेसबुक पे डाल दो,
ट्विटर पे डाल दो, विकिलिप्स होता है विकिलिप्स, उस पर भी डाल दो, विकिलिक्स होता है एंटी, विकिलिक्स, हां बेटा वो नेटफ्लिक्स पे भी डाल दो कि मोदी सागर वंदे आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम कलर्स सो चेंज द कलर। अरे एंटी सुनो तो सही, या फिर बेटा वो जो है ना जिसमें आजकल लोग बहुत कुछ एक्टिंग करके डाल रहे हैं वो टिकटॉक नहीं किटकॉट नहीं क्या टिकटॉक एंटी टिकटॉक टिकटॉक उसमें आप डाल दो। अच्छा छोड़ो मैं ही डाल देती हूँ कि मोदी जी इतनी अरजत सुनिए, अरे मोदी जी इतनी अरजत सुनिए, नीले डब्बे में गीला कचरा हरे में सूखा डलवाइए, नीले डब्बे में गीला कचरा हरे में सूखा डलवाइए। वाह आंटी वाह, ये आप सब ही करना, ये सब चीजें करना आप, मैं तो इसकी बजाय मैं ये डालूंगा, अरे आंटी जी अपनी बक बक बंद करिए, अरे आंटी जी अपनी बक बक करे बंद करिए, मैं चलता हूँ मैं जाता हूँ अपने घर को, मुझे माफ करिए। अरे अरे बेटा सुनो 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 बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नीरव। अरे तुम कहाँ तक पढ़े हो बेटा? MBA क्या आंटी? अरे तुम बेटा कहाँ पर हो? आंटी अंचल प्रधान में 142। अच्छा बेटा बेटा एक मिनट रुको, बेटा एक मिनट, मेरी बेटी से शादी करोगे क्या? वाह दामाद मिल गया।